हेलो भाई, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है यूट्यूब की हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो या फिर कोई भी चीज़ देखते हो तो वो जो है आपकी हिस्ट्री में जो है सेव हो जाते हैं, और अगर आपके दोस्त यार कोई भी देखना चाहेंगे तो उसको जो है ईजिली देख सकते हैं। तो अगर आप भी उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उसको जो आप हमेशा में से के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताते हैं सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप YouTube पर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो यहाँ पर सेव हो जाता है, यहाँ पर दिखने लगता है क्या क्या आपने सर्च किया है, और जो भी वीडियो आप देखोगे वो यहाँ पर आपको यू वाला जो ऑप्शन है अकाउंट वाला, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर शो कर जाता है कि कौन कौन सी वीडियो आपने देखा है। जिसको अगर आपके दोस्त यार पता करना चाहेंगे कि आप किस प्रकार की वीडियो देखते हैं तो वो जो है सो यहाँ पर आकर देख लेगा। तो इस स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री दोनों को जो है सो डिलीट करें तो आप कैसे कर पाओगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहां पर आपको टोटल हिस्ट्री दिखाई दे देगा, जो आपने वीडियो देखा होगा वो यहां पर सारा का सारा दिखाई देगा। अगर आप यहां पर व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके जो हिस्ट्री होंगे वो पूरा का पूरा यहां पर शो कर जाएगा। अगर आप एक एक करके डिलीट करना चाहते हैं तो हर एक वीडियो के सामने में 3 डॉट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर में रिमूव फ्रॉम वॉच हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा। अगर आप एक ही बार में सारे हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री, तो कैसे करोगे चलिए आपको बताते हैं। यहाँ से आपको बैक आना है और ऊपर में जहाँ पर आप सर्च करते हो सर्च पे क्लिक करोगे तो ये जो जो आपने सर्च किया होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। तो अगर आप सर्च हिस्ट्री को भी जैसे बीच में से किसी एक को डिलीट करना है तो उस पर आपको फिंगर को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आएगा, रिमूव पर क्लिक कर देना है तो हट जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप एक ही बार में कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो अकाउंट होता है, जिस अकाउंट से आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर यू का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर में सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बीच में, देख सकते हैं मैनेज ऑल हिस्ट्री, तो आपको मैनेज ऑल हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना जीमेल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप जो है सो किस जीमेल का जो है सो हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना जीमेल सेलेक्ट कर लेना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है सो जिस भी जीमेल को सेलेक्ट करोगे उसका जो हिस्ट्री होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। नीचे आप आओगे तो देख सकते हैं जो जो वीडियो आप देखोगे और जो जो चीज़ सर्च करोगे सारा का सारा यहाँ पर शो कर जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डिलीट का, तो आपको डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, डिलीट टुडे यानी आज जो वीडियो आपने देखोगे वो उड़ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं डिलीट कस्टमाइज रेंज, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने दिन का जो है सो उड़ाना चाहते हैं। अगर आप जो भी हिस्ट्री होगा टोटल हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं, ऑल टू ऑल सभी हिस्ट्री को, तो उसके लिए आपको एक नीचे में जो ऑप्शन है डिलीट ऑल टाइम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर सर्चिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन फिर से मांगेगा, तो आपको डिलीट पर फिर से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहां से बैक हो जाना है और यहां से जो आपने YouTube को क्लिक किए हो वो हिस्ट्री को डिलीट करना है। जैसे यहाँ पर देख पाओगे कि जो जो एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो वो यहाँ पर आपको शो कर जाता है, इसको आपको जो है सो हटा देना है ऐसे करके, ये आप सभी को पता ही होगा। और डिलीट करने के बाद आपको फिर से यूट्यूब में जाना है और उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर हिस्ट्री पर चेक करोगे तो आपके सामने देख सकते हैं कोई भी हिस्ट्री यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ये हमारा हिस्ट्री नहीं है, हम यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं वो वीडियो यहाँ पर हमारा शो कर रहा है, हिस्ट्री कोई भी नहीं है और ना ही आपको सर्च में कोई भी हिस्ट्री आपको शो करेगा। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा खाली है। तो इस प्रकार से आप YouTube के वॉच और सर्च दोनों हिस्ट्री को डिलीट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।